हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आपका, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। पर बात करते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक की, तो शो की कहानी में दिखाया जाएगा कि अभिरा और रोहित बहुत ही इंटेंस बात कर रहे होंगे, तभी क्रिश आएगा आर्यन, चारू और कियारा के साथ, तभी वो कहेगा कि चलो ना नीचे चलकर डांस करते हैं। पोदार्स भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होंगे, रूही और रोहित एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, अभिरा मनीष को अवॉइड करेगी और रोहित यहां पर काउंटडाउन शुरू करता है न्यू ईयर के लिए। स्वर्णा नोटिस करती है रूही को और याद दिलाती है उसको उसकी कही हुई बातें, तभी यहां पर मनीष रिमेंबर करता है अक्षरा को अभिरा को देखकर, और अभिरा यहां पर कुछ अरमान से बात करने की कोशिश करती है। अरमान यहां पर अपना जो हाथ है वो रोहित पर रख देता है। जो पोदार हैं वो सबको न्यू ईयर विश करते हैं, रोहित यहाँ पर मिस है, पूरे क्राउड से पोदार्स बहुत ज़्यादा परेशान है, हर कोई शॉक हो जाता है ये जानकर कि रोहित यहाँ है ही नहीं। अरमान डिसाइड करता है कि वो जाकर के रोहित को बाहर देखेगा। माधव कहते हैं कि रोहित मेरा कॉल नहीं उठा रहा। अभिरा और रूही कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए, वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे और रोहित भी यहीं कहीं होंगे। कावेरी कहती है कि रोहित हो सकता है कि चला गया हो अपने फ्रेंड्स की न्यू ईयर पार्टी में, तभी वो कहती है लेकिन हमें बताना तो चाहिए था ना, तभी सभी परेशान है। कावेरी कहती है कि रोहित इतनी आसानी से तो ऐसे मिस नहीं हो सकता। कावेरी सोचती है कि आखिर रोहित को हुआ क्या है। मनीषा यहाँ पर मनोज को देखती है और कावेरी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान है विद्या के कंडीशन देखकर, वो डाउट करती है कि रोहित कहीं गायब तो नहीं हो गया। अभिरा यहाँ पर दवाई खिलाती है रूही को, मनीष यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है। कावेरी डिसाइड करती है रोहित को कॉल करने का और अरमान भी रोहित को कॉल करने की कोशिश करता है। सुरेखा कहती है मनीष से हमें कुछ करना चाहिए, रोहित हमारा दामाद भी तो है और बेटा भी। मनीष कहते हैं कि माधव से कि हाँ मैं खुद एक इंस्पेक्टर हूँ और तुम चिंता मत करो। अभिरा यहाँ पर कहती है कावेरी से कि क्यों ना हम एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाएं। संजय कहते हैं कि हम अभी कोई कंप्लेंट नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी फैमिली की रेपुटेशन की बात है, और वो अभिरा को टॉन्ट करते हैं। आर्यन यहाँ अभिरा और रोहित से कहते हैं कि हाँ लास्ट कन्वर्सेशन आपकी मेरी हुई थी ना उनके साथ, मनीषा इनकी बातें सुनती है, तभी वो अभिरा को एक्यूज़ करती है। संजय कावेरी स्वर्णा सुरेखा बाकी सभी लोग भी अभिरा को जिम्मेदार ठहराते हैं, अभिरा तभी अपने स्टैंड लेती है। अरमान क्वेश्चन करता है अभिरा से कि बोलो आखिर क्या बात हो रही थी तुम्हारी जिसकी वजह से रोहित चला गया। अभिरा अपने आप को डिफेंड करती है, विद्या से टॉन करती है कि तुम्हारी तो परवरिश ही ऐसी है। अभिरा तभी इतने कड़वे जवाब देती है अरमान को और विद्या को कि उनका मुंह बंद हो जाता है। वो कहती है कि क्या आप फॉर अ चेंज के लिए सिर्फ रोहित के बारे में बात कर सकते हैं कि आखिर उन्होंने घर क्यों छोड़ा मेरे ऊपर से, कॉन्सेंट्रेशन हटाकर। कावेरी अभिरा की माँ की मेमोरी लाती है सामने, अभिरा यहाँ कहती है कि प्लीज़ वो मुझे लौटा दो। कावेरी कहती है कि जब तक रोहित नहीं आएगा ये बॉक्स मेरे साथ रहेगा। अभिरा रिक्वेस्ट करती है कावेरी से कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो बॉक्स लौटा दीजिए, इसमें मेरी माँ अक्षरा की मेमोरी है। और लेकिन कावेरी बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ी हुई है बॉक्स ना लौटाने के लिए। मनीष यहाँ कावेरी से कहता है कि आप दे दीजिए ना उस बच्चे का बॉक्स, तभी वो अभिरा देखे ना कितनी रिक्वेस्ट कर रही है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर रोहित गया तो गया कहाँ और कौन उसे ढूंढ कर निकालेगा। फिलहाल तो ऐसे मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।